हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे है और हमारा ये 75th इंडिपेंडेंस डे है और इसकी सेलिब्रेशंस को जो है वो नाम दिया गया है आजादी का अमृत महोत्सव। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था वो ब्रिटिश हाउस में जुलाई 4th 1947 को इंट्रोड्यूस कराया गया था और 2 हफ्ते में ही जो है उसको पास भी कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि अगस्त 15 को जो है वो हमारे को आजादी मिली, इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और उस दिन ही जो है हमारा बाइफर्केशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो हमारे इस स्ट्रगल में जो है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हेल्प किया था, जैसा कि महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस। अगर आप देखें तो हमारा जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, इसमें बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस रहा और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे देश को आजादी दिलवाई। नेक्स्ट इज अगर हम अपने इंडिपेंडेंस डे का सिग्निफिकेंस देखें तो आप देखेंगे कि ये एक रिमाइंडर है उन सेक्रीफाइसेस के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स द्वारा ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए किए गए थे। अगर आप देखें अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है ये बलिदान नहीं देते तो आज हम जो है आजादी की सांस नहीं ले रहे होते। हमारे इंडिपेंडेंस के दिन जो है नेशनल हॉलीडे होता है और हर जगह पे जो है वो तिरंगे को लहराया जाता है, परेड्स होती हैं और कल्चरल इवेंट्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था अगस्त 15, 1947 को, उस दिन इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो है इंडियन नेशनल फ्लैग को रेज किया था लाहौरी गेट रेड फोर्ट में दिल्ली में। और उस दिन से ये ट्रेडिशन है कि इस दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री को एड्रेस करते हैं। चलिए अब कुछ रेयर फैक्ट्स जो है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस डे के बारे में जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि भारतो भाग्य विधाता सॉन्ग जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है कंपोज किया गया था 1911 में, लेकिन बाद में इसको जो है वो रीनेम किया गया और उसका नाम रखा गया जन गण मन। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है इसको एज अ नेशनल एंथम एडॉप्ट किया था जनवरी 24, 1950 में। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि इंडियन नेशनल फ्लैग जो है पहले उसमें जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थी वो रेड, येलो एंड ग्रीन कलर की थी और इस इंडियन फ्लैग को जो है सबसे पहले होस्ट किया गया था अगस्त 7, 1906 में पारसी बगान स्क्वायर इन कोलकाता। लेकिन उसके बाद जो है हमारे फ्लैग में थोड़ी चेंजेस की गई और इस फ्लैग को जो है वो डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया द्वारा 1921 में, जो आज यूज किया जाता है। तो अगर आप देखें हमारा जो करंट फ्लैग है उसमें अब कलर्स हैं सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन और बीच में है अशोक चक्र। और इसको जो है अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22, 1947 एंड होस्ट किया गया था अगस्त 15, 1947 में। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि 5 अदर कंट्रीज हैं जो हमारे साथ इंडिपेंडेंस डे मनाती हैं अगस्त 15 को। उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड लिक्टेनस्टाइन। अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ह्यूज कंट्री बट ओनली वन लाइसेंस फ्लैग प्रोडक्शन। हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो मैन्युफैक्चर होता है एक ही स्थान पे और वहीं से जो है पूरी कंट्री में सप्लाई होती है। अगर आप देखें तो कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ जो है वो उसे बनाता है और ये लोकेटेड है कर्नाटका में। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये फ्लैग जो है हाथ से बनाया जाता है और इसमें कॉटन खादी जो है वो यूज की जाती है। हमारा आज का लास्ट फैक्ट है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा जो था स्टिल पोर्टुगीज कॉलोनी था, उसको जो है इंडियन आर्मी द्वारा 1961 में इंडिया में इंक्लूड किया गया। तो इस तरह जो है गोवा इंडियन टेरिटरी में ज्वाइन होने वाली लास्ट स्टेट बन गई थी। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।